केटीएम वाली नहीं, ड्यूक वाली लेनी है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं सुबह सुबह उठ गया हूं और आज हमारा सेकंड लास्ट डे स्कूल के जाने का, और मैं अभी पी रहा हूं मिल्क वाला, मिल्क जो आप लाए थे पापा। पापा एक बात बताऊं आपको? हां बोलो, क्या चाहिए? चाहिए नहीं कुछ बताने। हां बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। जो बैट लेके दिया था ना, हां जो पहले बैट लेके दिया था 2 महीने पहले, हां उससे प्रैक्टिस कर रहा है ना। हां जी, वो बैट टूट गया। अच्छा, बैट टूट गया वो? हाँ। तो क्या चाहते, क्या हुआ भाई साहब? नया बैट ले दो। हाँ। डॉली ये कह रहे नया बैट लेने के लिए। छुट्टियां आने वाली है भैया, बैट तो चाहिए, ग्राउंड तोड़ के आने अगलों को, मतलब पूरा तहलका मचाना है। पार्क में जाएंगे तो नया बैट मैंने निकाला है। ये काफी पुराना हमारे पास ये टोस्टर पड़ा था, काफी टाइम हो गया इसको यूज किए, और डॉली की डिमांड थी। आज मेरे को टोस्ट खाने हैं क्रिस्पी वाले, बटर और जैम के साथ, तो अभी मैं बनाने लगा हूँ, आपको दिखाऊंगा। को डेकोरेट करने के लिए लिए मैंगो, बनाना, हनी और अमूल बटर, और इस पर लगाते हैं पहले बटर, फिर ऊपर डालेंगे हनी और ऊपर डेकोरेट करेंगे मैंगो और बनाना से। इसमें आप जैम भी लगा सकते हो, आपका चॉकलेट सिरप है वो भी लगा सकते हो। तो इसको तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये तैयार हो गया है मैंगो सैंडविच, और ये बनाना वाला, इस पर बस मेरे पास रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ था, मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया है, और ये ब्रेकफास्ट के लिए हेल्थी वाला नाश्ता तैयार हो गया है। एक मैंगो है और एक स्लाइस बनाना का है, इसमें मैंने हनी डाला था, थोड़ा सा बटर लगाया था स्वीट एंड सॉल्टी के लिए, और आप थोड़ा सा अगर आपके पास जैम है या चॉकलेट सिरप है वो भी आप डाल सकते हो। तो ठीक है ना डॉले जी, तैयार है आपका नाश्ता, करो जी। हेल्थी वाला नाश्ता तैयार है गाइस, खाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बना सैंडविच? हाँ जी बिल्कुल। काफ़ी टाइम के बाद निकाला ना टोस्टर, 5 साल के बाद निकाला, वैसे दूसरा टोस्टर यूज करते हैं, ये 5 साल के बाद निकाला है। और डॉली कह रही थी मुझे ना ये टोस्ट क्रिस्पी वाला खाए, क्रिस्पी वाला ब्रेड खाने का बड़ा दिल था, तो इन्होंने इसके अंदर काफी सारे टोस्ट डाली हुई है। और ये है वैसे 15 साल हो गए ना टोस्ट, शादी का है ना हमारे 20 साल के पास से ले लिए, शादी के बहुत टाइम का ये टोस्टर है, 5 साल हो गए इसको निकाले। इसमें वैसे टोस्ट को आप क्रिस्पी जो टोस्ट होता है ना उस पर जैम और बटर लगा कर भी इंजॉय कर सकते हो, मगर आपके पास कोई भी फ्रूट हो आप खा सकते हो। डॉली तैयारियाँ कर रही है, अब नाश्ता कर रही है चाय का, साथ में बड़े वाला कप चाय का। और तो गाइस ये उठा लिया इसने, ये वाला लेना है पक्का, देख ले पक्का, कौन सा कलर है? ब्लू वाला, वाइट वाला? ब्लू वाला चाहिए, चल ठीक है। अंकल जी को थैंक यू बोलो, लो अंकल जी आपको गिफ्ट दिया है, ठीक है चलो आओ वापस अपनी शॉप पर। पैसे कौन देगा बेटा? मैं दूंगा, चल ठीक है। ये आ गया, ये देखो इस सुबह बैट की डिमांड की थी, अभी शाम को इसको बैट चाहिए, और अभी शॉप पे गया था, कोई कस्टमर का फोन आ गया, मैं शॉप पर फटाफट चले गया, और वहाँ से साथ वाले अंकल जी से जाके वो लेके आ गया। सही है भाई, तो हर दिन कोई ना कोई डिमांड है तेरी, अभी शाम छुट्टियों में क्या, अभी शाम को बैट की डिमांड है, घर में रहेगा तो स्कूल जाते हैं, अभी डिमांड इतनी है। तैयार हो? तैयार हो। कितने मिनट, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, मिनट भी नहीं, घड़ी घड़ी है घड़ी के सामने, फटाफट बताओ। बैट दिलाने? हाँ शाम को बैट दिला दूंगा पक्का, पढ़ाई भी पक्का चाहिए, होमवर्क भी मिल गया पक्का अब। हाँ जी हाँ बताओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, चलो चले मंदिर, चलो चले मितवा। दिए यहाँ पर जला दी, अगरबत्ती यहीं से जला लो। तो गाइस हम आ गए हैं दरगाह में, आज है थर्सडे वीरवार, जो मांग रहे बिस्कुट दे दो आप। मैं पीऊंगा अभी इसमें जूस, 1.25 लीटर का गिलास है, पी लेगा 1.25 लीटर का, 1.25 लीटर का खुद भी है। ये भाई साहब तैयार कर रहे हैं हमारा जूस, गिलास रख दो और अपना नॉर्मल वाले आपके गिलास आ गए हैं वो पियो, 1.25 लीटर का गिलास। फिर जी क्या हो गया, इतनी बातें क्यों कर रहे हो भैया, लंच कौन देगा फटाफट जल्दी? भाई दे रही हूँ लंच, तुम अपने बच्चे भाई इसकी डिमांडें पूरी कर रहे हो, सार्थक की भी डिमांड पूरी करो। कुछ कहना चाहते हैं? क्या डिमांड है सार्थक? हमारी जुबान से कहलवा रहे हैं वो, क्या क्या नहीं, तेरे को आ रही है शर्म? क्या कह रहे हैं, क्या 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 चीज कह रहे हैं? सुपर बाइक चाहिए, कितने की आती है भाई साहब सुपर बाइक? नहीं मैं क्या बताऊंगा, मैं तो टॉयज वाली बाइक लेके दे दूंगा तेरे को, 150 रुपए वाली जो बचपन में लेके दिया था।
दूसरी बात है कितनी बाइक लेती थी हम इसके लिए, क्या बाइक लेनी, कितनी कलेक्शन थी इसके। केटीएम वाली ना, ड्यूक वाली लेनी है। सुपर बाइक तो नहीं लेके दे सकता भाई, इतना अभी है नहीं कुछ भी हिसाब किताब, तो नॉर्मल वाली बाइक है, ड्यूक वगैरह वो लेनी है तो नॉर्मल वाली ले लेनी ले ले तो। हाँ बुलेट चाहिए फिर भी, स्प्लेंडर लेनी है भाई को ला दो। ठीक है चल, ठीक है भाई देखते हैं। अब 2 साल बाद तू वैसे ही ले लेगा, 2 साल तो है, 2 साल तेरे कॉलेज के रह गए, प्लेसमेंट होगी फिर तो तू ऑडी ले लेगा भाई, तो कुछ भी ले लेगा, तेरी जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, फिर तो तू इंजीनियर बनते तू ले लेगा। ठीक है ना भाई। हाँ डॉली जी, वो सार्थक बाइक लेने के लिए सच में कह रहे हैं क्या? हाँ वो बोल तो बहुत पहले से रहा है, बताने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी बताएंगे ऐसे। अभी तो स्कूटी लेके दी थी थोड़े टाइम पहले, अभी 1.5 साल हुआ स्कूटी लिए हुए इसको। स्कूटी तो नॉर्मल है, लड़कों को तो बाइक की ज्यादा चाहत होती है ना, कॉलेज में ज्यादा आपको पता है बाइक चलती है, बाइक चलती है, दोस्त यारों के पास बाइक है तो अगला क्या करेगा फिर। चल ठीक है, अब को कह रहे थे पापा देखने, वो तो शर्माता कुछ बोलता नहीं है, वो काकू भी वो तो जबरदस्ती है भाई, बोल लेंगे काकू ने खींच खींच के लाए, तू बोलेगा तो हम भाई तुझे कुछ दिखाएंगे, नहीं तो हम दिखाने भी ले लेके जाएंगे। काकू भी चोली है बीच में, वही आज के बातें ट्रांसफर करता है, वो तो वैसे इतना शर्माता है। काकू को 10 रुपए दोगे ना तो कहेगा पापा मुझे 100 रुपए दो, अगर बेचारे को कॉलेज जाता है सार्थक, उसको अगर 1000 रुपए दे रहा हूँ ना तो कहेगा नहीं पापा मेरे पास पड़े हुए पैसे रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए, 100 रुपए दे दो बस काम चल जाएगा। हाँ 100 रुपए दे दो मेरा काम चल जाएगा, बताओ यार। वो वैसे जमीन आसान का फर्क, वो वैसे नहीं बेचारा शुरू कर वो बोलता है, इतना कितना बोलता ही नहीं हो। चल ठीक है फिर देखता हूँ मैं, एक बार जाके उसके साथ देख लेता है, देख लो एक बार, देख लेते हैं ठीक है ना, लाओ पूछो उससे, अगर लेंगे फिर इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे। ठीक है, होमवर्क वगैरह हो गया पूरा सारा कर लिया। हाँ मंदिर चलने फटाफट चलो, जल्दी चलो। भाई की एक डिमांड है। हाँ वो मेरे को डिमांड दोपहर को तुमने बता दी थी। हाँ भाई ने बुलेट चलाई थी ना, कहता बहुत अच्छी चलाई थी बुलेट। किसकी? दोस्त की चलाई थी। चल ठीक है बुलेट देखने चलेंगे, हफ्ता रुक जाओ, हफ्ते के अंदर देखते हैं फिर बुलेट देख के आते हैं। ठीक है, और बुलेट सही सही रहेगी ना? अरे सुपर बाइक तो 18 लाख 19 लाख 14 लाख के आसपास की है भैया, इतना महंगा मेरा बजट नहीं है, तो देख लेंगे बुलेट, देख लेंगे बुलेट सही आ जाएगी। ठीक है ना, मैं पापा के साथ आया हूँ स्पोर्ट्स की दुकान में, क्योंकि मुझे लेना है बैट, मेरी समर वेकेशन शुरू होने वाली है, इसलिए खेलने के लिए मैं लूंगा अभी बैट। ठीक है काकू, 6 नंबर का बैट है, तेरे से भी बड़ा है, लगा के देख कितना बड़ा लग रहा है, देखियो जरा नीचे। हाँ स्टैंडिंग करके देख ले, खेला जाएगा सही, पसंद है पक्का, मैं पैसे देने लगा। बैट भी आ गया, बॉल भी आ गया, बॉल अभी खराब कर देगा बॉल को, नहीं करे तो मेरी चल ठीक है, बस जल्दी कर लो और घर जाने की फटाफट करो तैयारी। पापा कल आपके दिन स्कूल का स्कूल का कुछ क्या खाएगा? स्पेशल लेकर जाना। ठीक है भाई साहब, कल कुछ भी नहीं लेगा, कल कुछ भी नहीं लेके आएगा, ना 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 पैसे वाला काम तो करना नहीं है, कोई मैं चीज़ बना दूंगा अभी रास्ते में कुछ जाते हुए ले लेंगे, वो सुबह बन जाएगी। वो देख मुंह निकला, अभी इसका मुंह निकला, ये देख कितनी सुंदर है, कहीं यहाँ की चिड़िया नहीं है ये, है ना? तो गाइस कितनी सुंदर सी चिड़िया है ये, देखिए कितनी सुंदर चिड़िया है। और ये मंदिर में इस टाइम 9:30 हो गए ना, 9:30 हो गए हैं, मंदिर में सो रही थी आराम से, हमने देखा है, हमें पता भी नहीं लग रहा, मैंने देखी, किसने देखी ऐसी चिड़िया, देख मुझे बताना जरा। डॉली की आंखें कितनी तेज है, पूजा करने आई थी तुलसी मैया पे, मुझे पता नहीं क्या चीज है, देखो तो गाइस ये देखो कितनी सुंदर चिड़िया, कितनी प्यारी है, एक फ्रंट फ्रंट ओए उड़ गई, डॉली परेशान हो रही है, फिर दोबारा चिड़िया को ढूंढ रही है। अब सोने दे बेटे उसको, आ जाओ रात हो गई, आ जाओ फटाफट उसके पीछे मत पड़, सोने दो, मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया था, पापा नहीं किया था, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, मैंने उसको दिखा रहा था अपने गाइस को, कोई नई चीज दिखा रहा था, आप मत्था टेको और चलो। तो गाइस ये चिड़िया मिल गई है हमें, चिड़िया उड़ गई उड़ गई। ये क्या कर रही डॉली? डॉली 200 से ऊपर मैसेज आ गए हैं, लोगों ने बहुत दिल से शुक्रिया बोला डोसे की रेसिपी देने के लिए। हाँ 200 से ऊपर अभी देख रहा था, 225 मैसेज आ गए हैं, तो थैंक बहुत 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 दिल से शुक्रिया आप लोगों का, दिल से शुक्रिया।
और तो गाइस बिल्कुल, और कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप डोस आप रेसिपी दी की मतलब दिया जिए। आप ना हमारे सब्सक्राइबर जी बोलते हैं ना कि रेसिपी वगैरह दीजिए, तो आप ना बुधवार की छुट्टी होती है आपकी, ठीक तो है। हम उस दिन ज्यादातर ना उसमें बनाने का वो रख लेते हैं ना, तो गाइस देखते हैं बुधवार को कोई रेसिपी अच्छी बनाएंगे तो आपको थर्सडे को वीरवार को अपलोड करके शेयर करेंगे, रेसिपी देंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए करते हैं, ब्लॉग एंड, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाय। सारे कमेंट करें, तब तक के लिए बाय।